22 अक्टूबर को राचकोंडा के साइबर क्राइम पुलिस में एक एफआईआर दर्ज किया था। इसमें जो कंप्लेनेंट था, इसका नाम था भानोद किरण कुमार, ये घटकेसर का रहने वाला एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने कंप्लेंट किया कि सितंबर महीना इस साल में इसको एक उसके व्हाट्सएप पे एक लिंक आई थी इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो लिंक फॉलो करते हुए उसने पहले 50,000 रुपये कुछ ऐसा अमाउंट एक किया, तो अमाउंट को अच्छे रिटर्न मिले इसलिए उसने और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और बाद में उसे मालूम हुआ कि ये बड़ा चीटिंग का फ्रॉड है, और वो लोगों ने उसे रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। तकरीबन 84 लाख रुपीज़ उसने इसमें इन्वेस्ट किए थे। जैसे हमारे पास में इसका कंप्लेंट आया 22 अक्टूबर को हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन राचकोंडा में, क्राइम नंबर 1130 ऑफ 2021 अंडर सेक्शन 417, 419, 420, 120 बी एंड सेक्शन 66 सी एंड डी ऑफ आईटी एक्ट के तहत हमने एफआईआर दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हमें मालूम हुआ कि पूरा जो रैकेट है वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से ऑपरेट हो रहा है, बैंक अकाउंट भी वही के है। एक स्पेशल टीम हमने हमारे साइबर क्राइम के ECP हरिनाथ साहब के सुपरविजन में, एन रामू इंस्पेक्टर और उनकी टीम हमने सिलीगुड़ी को भेजी थी, और सिलीगुड़ी से हमें 3 नवंबर को 3 एक्यूज हमने अरेस्ट किए, नूर आलम, अकरम हुसैन और मोहम्मद इजरुल, और इन तीनों के बैंक अकाउंट में तकरीबन 15 लाख रुपए अभी हमने उस समय फ्रीज किए थे। लेकिन इसका जो किंग पिन था दीपू मंडल करके, जो सिलीगुड़ी का रहने वाला है, वो फरार था उस समय, उसको हम अरेस्ट नहीं कर पाए। बाद में इनके इंट्रोगेशन में हमें मालूम हुआ कि ये जो दीपू मंडल है ये नेपाल से भी आजकल ऑपरेट करने लगा है, और इसका चाइनीज एजेंसी के साथ में इसके ताल्लुकात है, और ये जो पैसा लोगों को फंसा के ये जो इनको इन्वेस्टमेंट के लिंक में लोग पैसा डाल रहे हैं, ये पैसा ये दीपू मंडल फाइनली उसके चाइनीज जो पार्टनर है उनको तक पैसा ये क्रिप्टो करेंसी द्वारा, बिटकॉइंस द्वारा वहाँ पहुँचा रहा है करके इन्फॉर्मेशन मिली। हम कंटिन्यूसली इसमें इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा था, उसी में अभी हमें समाचार मिला कि कल जो है यही रैकेट से संबंधित 3 और जो नेपाल के सिटीज़न हैं बट जिनके पास में इंडियन